सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कूंद पाक, जो कि सर्दियों में बहुत ही खाया जाता है और बहुत पौष्टिक होता है और शरीर को भी बहुत लाभ पहुंचाता है ये। और ये जाम तौर से कूंद पाक बीकानेर में बनाया जाता था, लेकिन अब सब जगह मिलता है। जोधपुर में भी बनाया जाता है, हलवाई लोग इसे दुकान पे भी बनाकर बेचते हैं, शादियों में भी बनाया जाता है। तो सब लोग चाहते हैं कि हम लोग घर पे भी बनाना सीखे कूंद पाक, तो आज मैं वही रेसिपी आप लोगों को बता रही हूँ। तो आइए चलिए, आज हम बनाते हैं कूंद पाक। कूंद पाक बनाने में जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है, ये मैंने घी लिया है, देसी घी। तो जब हम गूंद के फूले बनाएंगे यानी गूंद को फुलाएंगे घी में, तब भी काम में आएगा। और एक या दो चम्मच हम उसके अंदर डालेंगे कूंद पाक के अंदर। तो देसी घी लिया है मैंने, और मैंने लिया है एक गोला नारियल का, यानी कि सूखा नारियल का, जो गोटा भी बोलते हैं मारवाड़ी में। और ये हमने कद्दूकस कर लिया, करीब 250 ग्राम चूरा है ये नारियल का। आप ग्रेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं, उसको कद्दूकस करके आप थोड़ा ड्राई रोस्ट कर ले ऐसे ही, ताकि उसका गीलापन निकल जाए। तो ये सूखा ही है नारियल, तो इसको रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया। 250 ग्राम इसी के बराबर मैंने शुगर ले लिया करीब। और ये देखिए, ये वाला गोंद लिया है मैंने, ये बढ़िया वाला गोंद है, आप स्टोर पे, किराने की दुकान पे, जनरल स्टोर पे मिल जाएगा आपको। और ये बहुत अच्छा होता है, इसके फूले अच्छे बनते हैं। उससे बोलना आपकी, अगर आपको लेना हो तो अच्छी क्वालिटी का गोंद है, नहीं तो उसके फूले अच्छे नहीं बनते। और ये मैंने बादाम लिए, 15 बादाम को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। इसको इसमें ज्यादा बारीक चूरा नहीं डालते, थोड़ा मोटा ही डालते हैं, और साबुत भी डालते हैं थोड़ी बहुत इसके अंदर। मैंने थोड़ा इसको कूट लिया। और ये गोंद जो मैंने आपको दिखाया था, इसको मैंने चूरा कर लिया, ये करीब 100 ग्राम है। तो इसको मैंने इस तरह से देखिए आप, ग्राइंडर के अंदर चूरा कर लिया, ताकि इसके फूले बनेंगे तब फुलाएंगे हम इसको। साबुत को हम नहीं फुलाते, ये अच्छे नहीं बनते। चूरा करके इसके फूले अच्छे बनेंगे जब हम इसको घी में डालेंगे। और ये मावा लिया है मैंने, ये भी करीब 250 ग्राम ही है मावा। तो इसको मैंने भी, इसको भी कद्दूकस कर लिया थोड़ा सा, ताकि अच्छे से भुन जाए, क्योंकि हम इसको भूनेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे। ये मैंने काली मिर्च ली, साबुत काली मिर्च इसके अंदर डलती है। एक या दो काली मिर्च को हम थोड़ा सा कूट के डाल देंगे, ताकि उसका टेस्ट उसमें आएगा थोड़ा चटपटा सा। और बाकी की काली मिर्च थोड़ी सी हम इसमें ऐसे ही साबुत डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने घी डाल दिया है 2 बड़े चम्मच। और इसके अंदर अब मैं ये जो चूरा मैंने पीस के रखा था गोंद, तो इस तरह से इसमें डाल देंगे हम। अब ये फूल गया, हमने गोंद को फुला लिया, ये देखिए अच्छे से फूल जाएगा, तब ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और फूल जाएगा। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसी तरह से हम सारा हमारा जो गोंद है उसको फुला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने गोंद के फूले बना ली, यानी फुला लिया इसको घी में। अब हम इसको रख देंगे और हमारा मावा है उसको हम सेक लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, जिस कढ़ाई में हमने फूले बनाए थे उसी कढ़ाई में, वो चिकनी है उसको थोड़ा साफ कर लिया, हमने धोया नहीं है। और इसी में अब ये जो मावा है इसको भी सेक लेंगे हम, थोड़ा सा इसको सेकना पड़ेगा मावे को। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरह से हिलाते हुए हमारे मावे को सेक लिया है, ये इसका कलर चेंज हो गया है, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया इसमें। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया। ये मावा भूनने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और मावा भूनने से जब हम इसमें मिलाएंगे तो हम 15-20 दिन भी इसको रख सकते हैं, तो मावा हमारा खराब नहीं होगा। और कई जने बिना मावे के भी इसको बनाते, तो आप चाहें तो मावा डाल लें, नहीं तो बिना मावे के भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है, और ये जो शुगर ली थी मैंने 250 ग्राम, इसको मैंने डाल दिया कढ़ाई में। और अब इसके अंदर मैं 1 कप पानी डालूंगी, ये मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें शुगर डाल दी और 1 कप पानी डाल दिया है, और इसको हिलाते रहेंगे। और इसके हम 1.5 तार की चाशनी बनाएंगे। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है, तब तक ये जो मैंने गोंद के फोले बनाए थे इसके अंदर ये जो मैंने मावा सेका था वो भी मिला दूंगी मैं। इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे, ये मावा और ये खोपरा यानी कि सूखा नारियल,
और ये जो बादाम थी वो भी, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो और भी बादाम डाल सकते हैं, थोड़ी साबुत भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इन सबको मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची को कूट के रखा है, 2 या 3 काली मिर्ची, उसको भी मैं मिला दूंगी। इसका चटपटा सा अंदर थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर आएगा। और थोड़ी सी काली मिर्च हम 2-4 मतलब इसके अंदर जो थोड़ी बहुत है 5-6 डाल दूंगी मैं। तो आपको नहीं पसंद हो तो नहीं भी डालें। तो ये मैं ऊपर से डाल दूंगी जब साबुत डालूंगी। और 2-3 काली मिर्ची मैंने 2-3 को पीस लिया। अब इसको हम सब मसाले को, ये सारा जो बन गया हमारा मिक्सचर, इसको हम मिला लेंगे। और ये जो चाशनी बनेगी हमारी डेढ़ दाल की, उसके अंदर हम इसको अच्छे से मिला देंगे सबको। और फिर मिलाने के बाद 1 चम्मच घी में डालूंगी इसके अंदर। बाकी ये जो गोंद वगैरह हमने घी में किए हैं तो इसके अंदर घी है, इसमें ज्यादा घी की जरूरत नहीं होती है। बस हमने ये सब मिक्स कर लिया है। अब जब हमारी चाशनी बन जाएगी तो उसके अंदर हम इसको मिला देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये चाशनी तैयार होगी। आप इस तरह से चम्मच से गिरा के देख ले, इसमें तार बनता हुआ नजर आ जाएगा। इस तरह से जो गिरता है, जब तार बनता है हमारे, जो अंदर से बूंद गिरती है, तो आप समझ ले ये गाढ़ी भी होगी। देखिए अब ये जो हमारा मसाला पूरा हमने जो बना लिया था सब मिला के, गोंद वगैरह, तो मैं इसमें मिला दूंगी इसको। आंच को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है। अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्स हो गया सब। मैंने गैस को भी ऑफ कर दिया, नहीं तो ज्यादा कड़क हो जाएगा ये। और अभी जो घी है देसी, तो मैं 1 चम्मच घी इसके अंदर मिला रही हूँ। बस ज्यादा घी इसमें नहीं लगता है, क्योंकि गूंद के फूले वगैरह हमने घी में ही बनाए थे। तो बस इसके अंदर मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर मैं साबुत काली मिर्ची, यदि आपको इच्छा हो तो न भी डालें, इच्छा हो तो डाल लें, मतलब यदि आपको पसंद नहीं हो तो ना डालें। मैंने डाली इसमें 5-6 इसके अंदर साबुत, और 2-3 मैंने पीस के डाल दी थी, उसका अच्छा सा टेस्ट आएगा इसमें। और अब हम इसको मिक्स कर लिया हमने, और इसको आप थाली में घी लगा के आप जमा भी सकते हैं, और ऐसे भी कटोरदान में डाल के या किसी डब्बे में डाल के रख सकते हैं आप खाने के लिए, ऐसे भी चम्मच से खा सकते हैं। तो ये हमारा गूंद पाक अब तैयार हो गया है। इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं इसके बादाम से, साबुत बादाम से या कूटी हुई बादाम से, जैसे भी आप चाहें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सर्दियों में आमतौर से ये बनाया जाता है और ये लाभदायक भी होता है शरीर के लिए। मैंने इसमें मावा डाल के बनाया है, और आप चाहें तो इसको बिना मावे के भी बना सकते हैं। इसमें घी ज्यादा नहीं पड़ता है, और इसको आप बनाकर करीब 15-20 दिन भी रख सकते हैं, तो ये खराब नहीं होता है। और यदि आपने मावा डाला है, वैसे हम सेक के डालते हैं, और तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब आप खाएं तो इसको हल्का सा माइक्रोवेव में या किसी बर्तन में बिल्कुल हल्का सा गर्म होने तक बस बंद कर दें। ज्यादा गर्म नहीं करें, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा, क्योंकि इसकी हमने चाशनी बनाई थी। तो आप इसको खा सकते हैं गर्म करके, और ये सर्दी में ही टेस्टी लगता है ज्यादा। तो इसे आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली रेसिपी तक के लिए खमागणी।